हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी रीड लेसन नंबर 13, मोशन एंड टाइम. आज हम लोग पढ़ रहे हैं समय एवं गति के बारे में. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा दिया था कि मेजरमेंट ऑफ द टाइम कैसे करते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था, क्लॉक के बारे में पढ़ा था, और यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड भी पढ़ लिए थे कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं. आज हम लोग पढ़ रहे हैं 13.4 हमारा पॉइंट है, जिसका नाम है मेजरिंग स्पीड, कि चाल हम लोग कैसे मापते हैं. चाल को मापने के लिए कौन सा मेथड होता है, तो आ जाइए. हैविंग लर्न हाउ टू द मेजर टाइम एंड द डिस्टेंस, आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने दूरी और समय को कैसे मापा था, ठीक है ना. एंड यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट्स फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. भाई आप लोग है ना, किसी वस्तु की चाल को कैसे परिकलित करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये कितनी स्पीड से जा रही है. तो आइए, फर्श के ऊपर एक है ना, हम लोग गेंद जो होती है उसको चलाकर, ग्राउंड पर चलाकर उसको देखते हैं. तो एक्टिविटी देखिए 13.3. ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद द चॉक पाउडर विद द लाइम एंड द आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड स्टैंड 1-2 मीटर अवे फ्रॉम इट. आप क्या कीजिए, एक चूने की लाइन बना दीजिए, सरल रेखा खींच दीजिए और अपने फ्रेंड से कहिए कि वह इस लाइन से 1 या 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो जाए. अब अपने फ्रेंड को आपको ये कहना है कि जो फर्श है उसके अनुदिश, अनुदिश मतलब है परपेंडिकुलर जो है टू द लाइन, नोट टू द टाइम एंड द मोमेंट ऑफ द बॉल क्रॉस द लाइन एंड ऑल्सो वेन इट कम्स टू द रेस्ट, कि भाई ये चलाई हमने तो ये कब जाकर कितनी दूर चली, पहली बात तो, और दूसरी बात में कि ये कितने टाइम में चली है ना, कितने टाइम में इसने कितनी दूरी तय करी. तो हाउ मच टाइम डस टू द बॉल टेक्स टू कम टू रेस्ट, और उसके बाद में कब जाकर रुक गई, तो ये आपको बताना है. देन आपको क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नापेंगे. फिर इसे नापने के लिए आप है ना किसी मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना. देन मापने के लिए किसी स्केल का, रूलर का या फीते का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड विच द बॉल अक्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वाटर वेयर इट कम टू द रेस्ट, जहाँ तक रुकी उसको जगह को नाप लीजिए, जहाँ से स्टार्ट करा वहाँ तक. यू कैन यूज़ ए स्केल और मेजरिंग टेप, आप लोग यूज़ कर सकते हैं टेप को और स्केल का. लेट्स डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी, वापस आप लोग यही एक्टिविटी रिपीट कीजिए. इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, और वापस वापस इसकी टाइम को और इसकी स्पीड को आप लोग चेक कीजिए. यू मे नाउ लाइक कंपेयर योर स्पीड और वॉकिंग और साइकिलिंग विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. यू नीड टू द नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट्स. अब आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने इसको नापा, तो किसी पैमाने और फीते से इसको नापा, उसके बाद में बारी बारी से सभी ने नापा, तो सभी बार जो है क्या आपने साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे. इसके लिए आप अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता कीजिए. तो आप इस दूरी को जब तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल को परिकलित कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं. और यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको लिखना है, मतलब आप भी साइकिलिंग कर रहे हैं और आपका फ्रेंड भी कर रहा है, और इसमें आपकी स्पीड क्या है और उसकी स्पीड क्या है, मतलब आप स्पीड को ऐसे नापेंगे कि उसको कितना टाइम लगा और आपको कितना टाइम लगा. देन यहाँ पर लिखा हुआ है यू इट द फास्टेस्ट स्पीड्स ऑफ द सम लिविंग ऑर्गेनिम्स आर गिवन इन टेबल 13.4. यहाँ पर 13.4 जो टेबल है उसमें लिखना है आपको यू कैन कैलकुलेट स्पीड इन मीटर और सेकेंड योर सेल्फ, आप अपने आप मीटर और सेकेंड में इसको लिख सकते हैं. देन आप आगे देखिए, रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इन टू द अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू द 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड. ऑन द अदर हैंड टू द टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड अबाउट 8 सेंटीमीटर्स. कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस. अब उपग्रह में जो सैटेलाइट्स में छोड़े जाते हैं, रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड तक की चाल ये लोग करते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग टॉर्टोइस को देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड भी बहुत मुश्किल से चल पाता है. तो आप लोग क्या देखते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है ना, बता सकते हैं ना हम लोग कि भाई कितनी गुनी है.
तो अगर आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसके समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे क्या आ जाएगा आपका, इसकी स्पीड का ज्ञात हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है कि चली गई दूरी बराबर चाल और समय, है ना, इससे होता है चाल दूरी बटा चाल। तो उससे क्या हो जाता है आपकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, स्पीड इंटू टाइम, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो स्पीड इंटू टाइम बोला जाता है इसको। यू ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट्स वुड लाइक टू द कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग ऑन द गिवन स्पीड। तो इस तरीके से हम लोग जो स्पीड होती है हमारी गिवन, उससे डिस्टेंस जो है स्पीड का निकाल सकते हैं। अब बूझो भी कुछ कह रहा है, बूझो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी भी युक्ति है जो चाल मापती है, चाल का कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि आपने स्कूटर और मोटर बाइक पर एक मीटर लिखा होगा कि आगे जो है एक मीटर लगा हुआ रहता है, फिटेड रहता है। और सिमिलरली मीटर कैन बी द सीन ऑन द डैशबोर्ड्स ऑन कार्स बसेस एंड अदर व्हीकल्स, सब में होता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस के लिए जो है डैशबोर्ड पर मीटर देखते हैं आप लोग, और इनमें क्या लगे रहते हैं, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं एक कोने में, तो मीटर्स और पर हार लिखा रहता है। इसे क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर बोला जाता है। स्पीडोमीटर और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे चाल मापी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फोटो भी दी हुई है, ये रहे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको मीटर्स, यही है चाल मापी। तो स्पीड जो होती है इसी से देखी जाती है। देर इज ऑल्सो अनादर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज द ऑडोमीटर। कुछ जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक ऐसा मीटर भी होता है जो वाहन की दूरी को मापता है, मतलब वाहन ने कितनी दूरी चलाई है, हमने नहीं, मतलब वाहन से कितनी दूरी पर चले हैं, तो इसे क्या बोल जाता है, ऑडोमीटर बोला जाता है, या पथ मापी, है ना, उसने क्या तय किया, रोड की दूरी जो तय करी है। वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक पहेली डिसाइड नोट टू द रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। जो पिकनिक पर जा रही थी ये पहेली, उसने हर 30 मिनट्स में क्या है इसको देखा और अपनी नोटबुक में लिखा। तो इसके बाद में आप भी अपने क्या कर दीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग आपको भी ये टेबल को फिल करना है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, आपके जो बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था, ये लिखे हुए हैं ना, दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको बताना है कि बस की जो स्पीड थी वो कैसे बताएंगे आप। यहाँ पर टेबल को देख कर आप बूझो ने पहेली को चिढ़ाया और पूछा कि वह क्या बता सकती है कि 9:45 मॉर्निंग तक उसकी बस ने ना कितनी डिस्टेंस को तय कर लिया था, और पहेली के पास इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं था। तो पहली ने अपने टीचर के पास गए तो उन्होंने, टीचर ने कहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर पता लगाएंगे कि हम लोगों ने कैसे इस चीज़ की दूरी और चाल का पता किया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है बच्चों यहाँ पर है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। आप जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर्स, आपने देखा होगा मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ द ग्राफ टू मेक इट। यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग है ये। द टाइप ऑफ ग्राफ शो इन द फिगर 13.8 इज नोन एज द बार ग्राफ, आप मैथ्स में भी देखते हैं ये 13.8 में जो है ये बार ग्राफ होता है। अनादर टाइप ऑफ द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द पाई, पाई ये वाला पाई चार्ट होता है, नीचे दिया हुआ है इनके नाम, है ना, तो ये करते हैं। और द ग्राफ शो इन द फिगर 13.10 इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन ग्राफ, ये वाला लाइन ग्राफ हो गया नीचे वाला। तो द डिस्टेंस टाइप, सॉरी द टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ, लेट्स लर्न टू द मेक सच एज द ग्राफ। तो इन ग्राफ्स के जरिए हम लोग क्या करेंगे इसका बताएंगे। ये देखिए ये जो है हमारा 13.9 में ये बार पाई ग्राफ है, देन ये वाला हमारा जो है 13.11 ये कौन सा हो गया हमारा ग्राफ पेपर पे जो बनाया हमने, ये लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ये आपको सारे आपको ग्राफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है टेक अ शीट ग्राफ पेपर, ये आपको एक शीट पेपर लेना है ग्राफ का एंड ड्रॉ ट्रू लाइंस द परपेंडिकुलर, दो लाइनें बनानी है परपेंडिकुलर उन पे, जैसा कि 13.11 में बताया। एंड इस पे जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स ओ एक्स लिखना, मतलब एक कॉर्नर पर एक्स लिखकर ओ एक्स लिखना, और नॉन एज द एक्स एक्सिस उस क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस बोला जाता है, और वाई ओ ये वाई को क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है, और जो बीच का जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन को ओ बोला जाता है। बिटवीन विच द टू ग्राफ इज द ड्रॉन इन शोन अलोंग दिस द टू एक्सिस, टू एक्सिस होते हैं मैथ्स में हम लोग कर चुके हैं इसलिए हम लोग को पता भी है।
अब इसमें आगे ये क्या कह रहा है, देयर फॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शो इन द फिगर 13.11। 13.11 में जो शेडेड पार्ट है वो दिखा रहा है, मतलब इतना है हम लोगों ने यूज किया था। अब ये जो पैमाने होते हैं ना, ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इसको भी आप लोग को मानना पड़ता है ना कि भाई एक को हमने कितना किलोमीटर माना है उसी तरीके से। तो बूजो और पहेली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द टाइम टेकन इट द कवर विद द डिस्टेंस देयर डेटा इज शोन इन द टेबल 13.6। ये 13.6 जो टेबल है, इसमें इन्होंने कार से जो बूझो और पहली ने यात्रा की थी उसका डेटा दिया हुआ है। तो इसको आपको ग्राफ में आपको शो करना है। अब इसको शो करने का तरीका देखिए, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, बना देंगे बिल्कुल इस तरीके से। एंड डिस्क्राइब द क्वांटिटी टू बी द शो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड टू द शो अलोंग वाई एक्सिस। इन केस वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। अब इस तरीके से आपको क्या है, इसको शो करना है। शो करने के बाद में जो है ये जितना भी अगर आप बना पाएंगे इस तरीके से, दिखाई दे रहा है ये मैं आपको लार्ज करके दिखा रही हूँ, मेकिंग अ ग्राफ है ना। अब इधर डिस्टेंस जो है किलोमीटर्स में है और इधर टाइम क्या है, मिनट्स में है। मैंने बताया था आपको एक एक्सिस में टाइम आ जाएगा और एक एक्सिस में क्या आ जाएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से टाइम और मिनट्स को हम लोग मेज़र करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जब मेज़र करके लिखेंगे तो उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी कि हम लोगों ने कैसे इसको मेज़र करके बताया था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हम लोगों ने लिखा है तो ये वाई ग्राफ और इसका पूरा जो डेटा है ना, पहेली का और इसका, ये पूरा डेटा बताया इसने कि आपको ग्राफ को कैसे बनाना है और किस तरीके से इसको शो करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैथ्स में आप लोग कर चुके हैं। तो इधर डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस लिखने के बाद में इधर क्या कर देंगे आप लोग, इस साइड में ये आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है और बताना है कि भाई डिस्टेंस था 5 किलोमीटर था तो 1 सेंटीमीटर, एंड मतलब ये ब्लॉक्स जो है, जैसे 5 किलोमीटर को अपन ने एक ब्लॉक को क्या माना है, 1 सेंटीमीटर माना है। 6 मिनट्स को अपन ने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक्स है ये मैं आपको लार्ज करके यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो बच्चे है ना। अब डिस्टेंस किलोमीटर्स का दिखाई दे रहा है जिधर वाई एंगल है, और एक्स एंगल पे क्या दिखाई दे रहा है, मिनट्स। तो ये एक एक ब्लॉक को माना है बस, इधर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग जितनी दूरी तय की थी उस पर, और उस पर एरो बना दीजिए और उसकी सीधी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका पूरा पैमाना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या है कि ये ग्राफ बना लिया है, बस यही चैप्टर में है। और तो आपको पता चल गया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का क्या होता है, देन हमारी जो मोशन है उसका क्या होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पर हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। और ये ग्राफ वाला जो है, एक बार आप लोग जब आएंगे ना स्कूल्स में या हम लोग जब रिविज़न करेंगे तब मैं आपको एक बार और इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को इस चैप्टर के साथ में ग्राफ भी अटैच करने हैं अपनी कॉपी में, और उसमें आपको बताना भी है कि भाई हम लोगों ने इस इसका ये ग्राफ बनाया है, जो पहेली और बूजो का जो डाटा था कार की यात्रा का, इसको आप लोगों को फील करके रखना है। ठीक है, तो अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कीजिए, प्लीज़ कीप योर लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, और आपकी कोई भी वॉट एवर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स या क्वायरी है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग।